हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझाया है। कैश फ्लो और स्टेटमेंट, इन तीनों वर्ड्स को ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या यूजेस हैं, क्या इसके अच्छी चीज़ें हैं, क्या नीड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो मैंने आपको क्या समझाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट की फर्स्ट वीडियो में। फिर हमने किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या कमियां कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमें शो करता है। फिर नेक्स्ट हमने दो टर्म्स की, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने कंपेयर किया फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द फंड फ्लो स्टेटमेंट भी मैंने आपको करवा दिया है। सेकेंड जो हमने इसमें किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने कंपेयर किया कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने कंपेयर किया कैश बजट के साथ, कैश बजट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने डिफरेंस कर लिया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कि जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उसको हम किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें तोड़ सकते हैं। तो इन्हें तोड़ने के तीन तरीके हैं। सबसे फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर हमारा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन ही मेजर एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने इस चैप्टर में पूरा का पूरा, इन्हीं तीन एक्टिविटीज़ को हमने पढ़ना है। अब क्या कहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन सी ऐसे कार्य हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एक बिजनेस को चलाने के लिए की जाती हैं, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस की रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब इन्हीं एक्टिविटीज़ को करने के बाद एक जो बिजनेस है वो अपनी इनकम को जनरेट करता है, अपनी रिवेन्यू को जनरेट करता है। इसलिए बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है, बिजनेस की रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब देखो, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऑर्डिनरी आइटम्स। देखो क्या शुरुआत कहाँ से होती है, फर्स्ट नंबर पर हम जो आइटम लिखेंगे वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमारी फर्स्ट जो चीज़ होती है जो हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है, इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें मैं आपको ये फ्लो स्टेटमेंट भी बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक अलग से एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, क्या फॉर्मेट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको पहले ही थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे फर्स्ट हमने किया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आते हैं, इसको स्टार मार्क किया है क्योंकि ये कैसे निकलेगा ये मैं आपको बाद में नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। अब बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है कि बिजनेस में हमें जो भी हमारे पास सरप्लस अमाउंट है, जो भी हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं, जो भी हमारे पास सरप्लस अमाउंट है, जो वेस्टेज हमारे पास पैसा पड़ा है, तो उसको हमें क्या है इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट किस तरीके से करना है कि हमें जो रिटर्न है वो मैक्सिमम आए, हमारे पास पैसा और भी बढ़े, हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड हो, उस चीज़ से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो। तो इसी तरीके से हमें क्या है इन्वेस्टमेंट करनी है कि हमारा जो रिटर्न हो वो मैक्सिमम रिटर्न हो, ठीक है। फिर हमारी बात आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है कि अगर हमारे पास डेफिशिट है मतलब कि पैसे की कमी है, तो हमें क्या है पैसे को लेना है, पैसे को कहीं से प्रोवाइड करना है, तो इसे बोलते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हम कैसे करेंगे, हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या है इशू कर सकते हैं। और किन इंस्ट्रूमेंट्स को हमें खरीदना है, जहाँ पर जो हमें रिटर्न पेमेंट करने पड़े वो हमें मिनिमम रिटर्न पेमेंट करनी पड़े। यहाँ पे हमने रिटर्न किया था कि हमें मैक्सिमम रिटर्न पेमेंट करनी है, रिसीव करनी है, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो उतना अच्छा। लेकिन कहते हैं कि अगर हम शेयर्स को इशू करें या कुछ भी करें तो वो मिनिमम रिटर्न पे करें, ताकि हमें जो पेमेंट करनी पड़े वो कम से कम करनी पड़े, मतलब हम कमाना तो मैक्सिमम चाहते हैं और रिटर्न पेमेंट हम मिनिमम करना चाहते हैं, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है।
अब तीनों आपको एक्टिविटीज़ के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मीन्स जो भी हमारे पास सरप्लस है उसको हमें इन्वेस्ट करना है, हमें एसेट्स खरीदनी है, हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, हमें अपना पैसा लगाना है, ऐसी चीज़ों में लगाना है जहाँ से हमें रिटर्न मैक्सिमम आए. फिर बात आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें क्या है, पैसे को लेना पड़ेगा, कहीं से उधार पर लेना पड़ेगा, बैंक से लेना पड़ सकता है. ज़रूरी नहीं है यही इंस्ट्रूमेंट्स हो, हमारे पास बैंक होते हैं या अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ से हम पैसे को क्या है ले सकते हैं, हम उधार ले सकते हैं. ठीक है, फिर उसमें हमें इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है, जैसे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर इन पे डिविडेंड्स होता है या इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ भी हमें देनी पड़ती है. तो फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब कि हमें क्या है, पैसा फाइनेंस इकट्ठा करना है कहीं से. अब देखो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डील्स करती है जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं. मैंने कहा ना कि डेली डे टू डे लाइफ, ठीक है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, डे टू डे करंट. लेकिन फिक्स्ड मैंने आपको बोला कि ये डे टू डे लाइफ नहीं होती, हम इन्वेस्टमेंट डेली नहीं करते, हम कभी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए जो फिक्स्ड हमारे जो एसेट्स होती हैं या फिक्स्ड लाइबिलिटीज होती हैं वो आएंगी यहाँ पर, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है. और फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएंगे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बैंक से जो भी हम लोन लेते हैं या फिर हम बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं, सबसे हमारी बड़ी चीज़ आती है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं. अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, शेयर सिर्फ शेयर नहीं होता, शेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होता है. मेरी स्पेलिंग्स को प्लीज़ नोट मत कीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग मैं इसमें देखो स्पीड से मैंने जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख दिया, लेकिन प्रेफरेंस की स्पेलिंग जैसे प्रेफरेंस होता है तो मैं स्पीड में कुछ भी लिख देती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी स्पेलिंग्स को मत देखिएगा क्योंकि मुझे स्पीड में लिखना है तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, आप स्पेलिंग्स नोट मत कीजिएगा प्लीज़. अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा जैसे कि कैश सेल किया, ठीक है, कैश सेल या फिर कैश परचेज़, कैश परचेज़ या कैश सेल का मतलब है कि आपने कोई भी डे टू डे लाइफ में कोई भी गुड्स वगैरह खरीदी हैं या बेची हैं तो क्या होगा. अब मैंने आपको दो चीज़ें पिछली, अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक तो होता है इनफ्लो ऑफ कैश एंड सेकेंड होता है आउटफ्लो ऑफ कैश. इनफ्लो का मतलब जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसे हम बोलेंगे इनफ्लो, और अगर हमारे पास हमारे से पैसा जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे आउटफ्लो, ठीक है. आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने एक कि आपके पास एक पर्स है और उस पर्स में अगर आपको अगर आपके उस पर्स में पैसे एंटर होते हैं, अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप बोलेंगे कि आपका इनफ्लो हो रहा है, इन मतलब पैसे अंदर जा रहे हैं, इन हो रहा है मतलब आपका फ़ायदा है, आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं. अगर वही आपसे पैसे बाहर जा रहे हैं आपके उस पर्स से तो हो गया आउटफ्लो, ठीक है, मतलब आउटफ्लो मतलब आपके पर्स से पैसे बाहर जा रहे हैं, तो आउटफ्लो मतलब आपके लिए अच्छी बात नहीं है. तो इनफ्लो जो है, अगर आपके पास कोई भी पैसा इनफ्लो होता है तो आप उसको नॉर्मली लिखेंगे, और अगर आपके पास कोई भी चीज़ आउटफ्लो होती है मतलब आपसे पैसे जा रहे हैं तो आपको माइनस में लिखना है, और माइनस का लिखने का मेथड होता है ब्रैकेट, ठीक है. आप स्पेशली माइनस नहीं लगा सकते, जैसे 5000 है, 5000 के आगे माइनस लगा दे तो एक गलत तरीका है. आपको लिखना है 5000 और उसे ब्रैकेट में कर देना है. ये तो हो गई माइनस की टर्म्स. अगर हम बात करें प्लस में 5000 आए हैं, इनफ्लो हुआ है, तो हम नॉर्मली 5000 लिख देंगे, ठीक है. ये 5000 हो गए और ये माइनस में 5000 हो गए, ठीक है. ये चीज़ होती है. और अभी इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब इनफ्लो मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना. तो इसमें देखो कि कैश सेल किए हैं हमने, कैश में कैश सेल हमने, गुड्स गई हैं या नहीं गई हैं, आई हैं गई हैं, उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको ये देखना है कि पैसों पर क्या इफेक्ट पड़ा, कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है. तो अब देखो कैश सेल किया है, कोई भी चीज़ अगर हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो मतलब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हो गई हमारी प्लस में, मतलब इनफ्लो, ठीक है. अब कैश परचेज़, अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे. कैश परचेज़ किया मतलब पैसे हमें देने पड़ रहे हैं, मतलब कि माइनस की बात आ गई, और ये होती है आउटफ्लो, ठीक है. मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि अगर कैश सेल कोई भी चीज़ है, अगर आप खरीदते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं जिससे माइनस होता है, और अगर कोई भी आप चीज़ बेचते हो, सेल करते हो, तो आपके पास पैसे आते हैं तो वो आपका इनफ्लो होता है, प्लस में होता है, ठीक है.
नेक्स्ट, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कि आपने पैसे रिसीव्ड किए हैं, कैश रिसीव्ड किए हैं फ्रॉम डेटर्स, जो हमारे डेटर्स होते हैं या ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, तो इनसे अगर पैसे रिसीव किए हैं तो वो इनफ्लो में आएंगे या आउटफ्लो में आएंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको आंसर बता दूँ कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल अगर हुए हैं तो कैश हमारे पास रिसीव हुआ है, रिसीव होने का मतलब इनफ्लो, तो ये क्या है, इनफ्लो एक्टिविटी है। अगर इसके अगेंस्ट अगर मैं बोलूँ कि कैश पेड पेड टू ना हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स होते हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर्स या फिर ट्रेड पेबल्स, तो इनका क्या होगा, कैश पेड किया है हमने, पैसे दिए हैं, तो पैसे देने का मतलब आउटफ्लो एक्टिविटी है, ये हमारी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कि अगर हमने कैश रिसीव्ड किया है, कैश रिसीव्ड किया है किस चीज़ से, जो हमारी रॉयल्टी है, रॉयल्टी है या फिर हमारी कोई फीस है, कोई कमीशन है, कोई भी कमीशन है, फीस है, रॉयल्टी है, कुछ भी है, तो हमने कैश रिसीव किया है तो वो हमारी इनफ्लो एक्टिविटी, अगर हमने कैश पेड किया है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, आउटफ्लो एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो यही मतलब मैं आपको मेन समझाना चाहती हूँ कि डे टू डे एक्टिविटीज़, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर वो हमारे पास एक्टिविटीज़ से हमारे पास पैसा आता है तो वो इनफ्लो हो जाती है, अगर वहाँ से पैसा जाता है तो वो हमारी आउटफ्लो एक्टिविटी हो जाती है। सेम वैसे ही जैसे कि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, तो इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे। मतलब कि अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो खरीदी हैं, फिक्स्ड एसेट आपने खरीद ली हैं, मतलब कि आपने परचेज किए हैं फिक्स्ड एसेट को, तो आप अब मुझे बताइए कि फिक्स्ड एसेट को परचेज करने से हमारे पास आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा। परचेज की है मतलब कि हमने पैसा दिया होगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या है, आउटफ्लो है। ठीक है, आउटफ्लो है क्योंकि हमने परचेज किया, परचेज करने से हमारा पैसा गया होगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आउटफ्लो एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर हमने परचेज नहीं की, हमने सेल की है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर हमने की है तो क्या होगा, सेल करने से हमारे पास पैसा आता है, तो ये क्या हो गया, हमारी इनफ्लो एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, हमारी इनफ्लो है। ठीक है, इनफ्लो है, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया। ठीक है, ये तो हमने बात की फिक्स्ड एसेट की, परचेज एंड सेल की। अगर फिक्स्ड एसेट की जगह पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी तो हमारी फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट होती है, तो अगर हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी सेल करते हैं तो हमारी इनफ्लो होती है, अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम परचेज करते हैं तो वो हमारी आउटफ्लो होती है। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर गलती से बता दिया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लाइबिलिटी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि फिक्स्ड एसेट की जो फिक्स्ड एसेट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होती है, जो फिक्स्ड लाइबिलिटी होती है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है। क्योंकि देखो, फिक्स्ड लाइबिलिटी हमारी कौन सी होती है, हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होती है हमारी बॉन्ड्स, डिबेंचर, जिसे कि हम शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, तो यही चीज़ हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हो गई हमारी, तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। मतलब कि फिक्स्ड एसेट जो है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है और फिक्स्ड लाइबिलिटी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। अब एक चीज़ और नोट कीजिए कि अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने परचेज की है, देखो फिक्स्ड परचेज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑफकोर्स ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हमने किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट की है या फिर कोई ऐसे हमने डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, या फिर हमने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो हमें डिविडेंड रिसीव होगा। ठीक है, तो अब जो ये इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इसलिए इनफ्लो एक्टिविटी है। लेकिन ये किस एक्टिविटीज़ का इनफ्लो पार्ट है, लेकिन ये किसका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो बात याद रखना कि अगर हमारी हमारी जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर रहे हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट, उससे होने वाली जो भी इनकम है जो हम रिसीव कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएंगी। ठीक है, लास्ट बात आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कि हमने फाइनेंस को कलेक्ट करना है। अब फाइनेंस को हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम जो शेयर्स हैं उसको इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, बॉन्ड को इशू कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक से हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इन सभी को करने से हमारे पास पैसा आएगा तो हम करेंगे प्लस। अब इन्हीं के अगेंस्ट कर लो, शेयर्स हैं तो शेयर्स पे अगर हम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉरी हम फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, शेयर्स हमने इशू किए हैं, तो इशू करने के बाद हमें शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो पे करने से हो जाएगा माइनस। तो डिबेंचर और बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट भी हमारा जो होगा वो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बैंक हमने बैंक से लोन लिया है, तो लोन लेने पर भी हमें क्या है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बैंक को, तो बैंक वो भी माइनस करेगा, तो हमारे पैसा हमारी तरफ से पैसा गया है तो वो माइनस हो जाएगा। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हम करते हैं तो उससे एक चीज़ देखो कि बैंक ओवरड्राफ्ट को दो तरीकों से लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है कि इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड नेक्स्ट लिखा जाता है डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझो कि इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहता है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक ने हमें परमिशन दी है कि अगर आपके अकाउंट में 15,000 है तो आप प्लस में 17,000 निकलवा सकते हो। किनको ये बैंक परमिशन देता है? उन लोगों को देता है जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनका बैंक के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो उनको बैंक ओवरड्राफ्ट की बैंक क्या है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कुछ एक अमाउंट क्या है अपनी प्लस में निकाल सकते हैं अगर आपको नीड है तो। तो बैंक अगर ओवरड्राफ्ट मतलब कि हमने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं, तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा वो हमारा प्लस होगा। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने 17,000 निकलवाए हुए थे, हमने उसको जमा करवा दिया, डिक्रीज करवा दिया है, तो उसको वो हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। मतलब कि जितना भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जितने भी पैसे हमारे पास रिसीव होंगे तो उसे हम करेंगे प्लस, और जितने भी पैसे हम पे करेंगे, हमसे जितने भी पैसे जाएंगे हमारे लिए लॉस है, तो उसे हम कर देंगे माइनस। ठीक है, वही चीज़ कि अगर हमारे पास एक पर्स है, हमारे पास जितने भी पैसे उस पर्स से बाहर जा रहे हैं तो वो इनफ्लो है, सॉरी जितने भी बाहर जा रहे हैं वो आउटफ्लो है, और जितने भी अंदर आ रहे हैं वो इनफ्लो है। ठीक है, जितने अंदर आ रहे हैं वो इनफ्लो, जितने बाहर जा रहे हैं वो आउटफ्लो। इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है, इतना ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं कि कैसे हमें फॉर्मेट बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखो सबसे फर्स्ट जब हम फॉर्मेट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो हमें यहाँ पर लिखना होता है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये किसी भी कंपनी का नाम है। जैसे मैंने ABC लिमिटेड लिखा है, कोई भी कंपनी है जैसे टाटा एंड स्टील कंपनी है, या फिर कोई भी RN इंडस्ट्री है, कोई कॉटन की इंडस्ट्री है, या फिर कोई शुगर इंडस्ट्री है, तो उसका नाम लिखना है हमें। ठीक है, नाम लिखना है लिमिटेड मतलब कि जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं तो हम लिख सकते हैं PVT लिमिटेड। अगर हमारा कोई प्राइवेट कंपनी है तो हम लिखते हैं PVT लिमिटेड, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो उसे हम लिखते हैं लिमिटेड LTD। ठीक है, तो ये एक कंपनी का नेम है ABC, मैंने एग्जांपल के लिए ABC लिखा है, आपके पास जो भी कंपनी का नाम है आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। हमें ईयर एंडेड लिखना है कि किस ईयर का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। जैसे कि हम एक बैलेंस शीट में लिखते हैं ना कि ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 या 2020, तो उसी तरीके से हम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 31st मार्च 2019 लिख देते हैं, तो 31st मार्च 2019 मैंने लिखा है, आप 2020, 2021 जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी डेट आपको गिवन है तो वो आपको वही लिखनी है कि किस ईयर के एंड में आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पूरे ईयर के एंड में बनाई जाती है, ये देखने के लिए कि आपकी कितनी इनफ्लोज हो रही हैं, कितनी आउटफ्लोज हो रही हैं, कितना आपने पैसे रिसीव किए हैं, कितने आपने पैसे जो हैं वो पेमेंट किए हैं, वो चीज़ देखने के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। ये एक इनडायरेक्ट मेथड मैं आपको समझा रही हूँ, इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है लेकिन हमारे स्टडी के मटेरियल में डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, और एज़ पर स्टैंडर्ड जो है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 3 के अकॉर्डिंग है, जो कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमें दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इशू किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मैंडेटरी किया है 1 अप्रैल 2001 से, कि अगर कोई भी कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी एंटरप्राइज अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है तो उसे इसी ही फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, और यही फॉर्मेट है जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसमें सबसे फर्स्ट जो होता है वो यहाँ पर पर्टिकुलर्स होता है, मतलब कि हमारे पास क्या रिसीव हुआ है, क्या पेमेंट हुआ है, वो सब कुछ, और ये हमारे सीरियल नंबर की एक लाइन है जो यहाँ पर भी शो हो रही है। ठीक है, और ये हमारे कॉलम है रुपीज़, जो भी हम चीज़ें लिखेंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम फर्स्ट ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग की सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा इसका समरी करके कुछ प्लस है कुछ माइनस है करके जितना भी आएगा टोटल अमाउंट जो होगी वो हम इस कॉलम में लिख देंगे, ये टोटल का कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी और यहाँ
पे फाइनेंसिंग, ठीक है। तो आज का जो हमारा है मेन इसी चीज़ के लिए है, फॉर्मेट समझाने के लिए, तो वो फॉर्मेट आज अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने मेन आपको कंसेप्ट समझा दिए हैं कि कौन सी चीज़ें इन्वेस्टिंग में आएंगी, कौन सी ऑपरेटिंग में आएंगी, कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रही हैं, बस उसी को हमने इस फॉर्मेट में पेस्ट करना है। अब जो ये फॉर्मेट है वो इन दो पेजों पर पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इन दो पेजों को पे ही शो कर रही हूँ। आपको सबसे पहले उल्टा चलना है। हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और हम ऐसे जाते हैं, लेकिन हमें उल्टा चलना है। हम इस तरीके से चलेंगे, सबसे फर्स्ट नीचे से। नीचे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं यहाँ पे एब्रीवेशंस यूज़ कर रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखना है। मैंने ई क्यू लिखा है एब्रीवेशंस, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आपको जितना दिया हुआ है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा है, और उसको आप बिल्कुल एंड ऐसे लिखेंगे टैली करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इन इसमें से अगर कैश एंड ऑफ द ईयर एंड बिगनिंग ऑफ द ईयर, आपको एंड में से बिगनिंग जितनी भी अमाउंट दी होगी, इस अमाउंट में से आपको बिगनिंग की अमाउंट माइनस करके यहाँ पर लिखना है नेट इंक्रीज या फिर नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या हमारी नेट इंक्रीज हुई है या क्या डिक्रीज हुई है, वो जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। मतलब आपको कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर में से बिगनिंग ऑफ द ईयर माइनस करके आपकी जितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ये हमारा सबसे फर्स्ट हमारा तरीका है। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखना है, सी। आप यहाँ पर सी लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए और यहाँ पर ए लिख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ ये क्या कहना चाहता है कि जो भी हमारी कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी आएगी यहाँ पर। फिर यहाँ जो बी पार्ट है इसमें हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और जो सी प्रोपोर्शन है वो होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये अब देखो मैंने इसको लिखा वन, मतलब ए बी एंड सी, इन दोनों का जो तीनों का जो टोटल आएगा, वन टू थ्री, इन तीनों प्रोपोर्शन का जो टोटल आएगा वही आपका नेट इंक्रीज होगा। मतलब ए बी और प्लीज सी को अगर हम प्लस करते हैं, ए बी और सी को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा जो इन दोनों में से माइनस किया वो भी, और इन तीनों प्रोपोर्शन को जो हमने प्लस किया वो भी, ठीक है। तो सेम अगर हमारा आता है तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल भी हमने कोई गलती नहीं की है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन हमारा गया है। इसी चीज़ से हमें पता लगता है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें सीधा नहीं चलना, हमें इन्वेस्टिंग से ऑपरेटिंग से शुरू नहीं करनी, ना ही हमें इन्वेस्टिंग से शुरू करनी है, हम उल्टा चलेंगे, हमें फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एक्टिविटी से शुरू करना है। तो सबसे फर्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे हम कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल जो हमारी होती हैं, जैसे कि हमारे शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स को इशू करने से जो हमारे पास पैसा रिसीव होता है तो उसे हम करेंगे प्लस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोसीड, मतलब कि हमें जो रिसीव हुआ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, मतलब कि शेयर्स को इशू करने से जो हमें रिसीव हुआ वो हमारा आएगा प्लस में, माइनस नहीं होगा। फिर उसके बाद प्रोसीड, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी हमारा प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। अब हमारी बात आती है प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म ब्रॉइंग्स, कोई हमारी शॉर्ट टर्म ड्राइंग्स हैं या कुछ भी हैं तो वो हमारी आएंगी यहाँ पर, ठीक है। उसको भी हम क्या है, प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा क्या है, रिसीव्ड हो रहा है। फिर हमारी बात आती है कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट की बात की थी कि अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होता है ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको भी हम क्या है, प्लस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस की हो गई।
अब कुछ चीज़ें आती हैं जो इन सबसे उल्टी होंगी। जैसे सबसे फर्स्ट देखो, हमने क्या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स जो हैं, इसको हम इशू अगर करते हैं तो हम कुछ टाइम बाद इसे बाय बैक भी करते हैं। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो अगर हम बाय बैक कर रहे हैं तो हमें पैसे क्या है, वापस देने होंगे उन्हें। तो ये चीज़ जो आ जाती है वो माइनस में आ जाती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर हमने इशू शेयर ऑफ इशू किया तो हमें डिविडेंड भी देना पड़ेगा उस पर, ठीक है। फिर अगर हमने डिबेंचर्स, सेकंड बात आती है हमारी डिबेंचर्स की, अगर हमने डिबेंचर्स किए हैं तो हमें रिडीम भी करने पड़ेंगे डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो वो भी हमारा माइनस होगा। अब डिबेंचर्स तो रिडम्पशन होंगे होंगे, लेकिन साथ ही साथ जितना भी टाइम डिबेंचर होल्डर्स ने डिबेंचर को अपने पास रखा है उतना टाइम वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, इसलिए मैं डिविडेंड हमारे शेयर्स का होता है एंड इंटरेस्ट जो होगा वो हमारे डिबेंचर्स का होगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमारी माइनस में आएगी क्योंकि एक कंपनी को, एक एंटरप्राइज को वो चीज़ें वापस देनी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग्स हैं उस पर भी कोई इंटरेस्ट होगा, तो वो भी आप इसी में ही ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब लास्ट बात हमारी बचती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे उठाए हैं, तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमें देना पड़ेगा, इसलिए हम कर देंगे माइनस। नेक्स्ट, हमने अगर इंक्रीज़ किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, तो इंटरेस्ट देके तो हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो हमें क्या है, जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने किया उसे हमें नॉर्मल भी करना होगा, हमें डिक्रीज़ करना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमें वो भी पेमेंट क्या है, देनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक चीज़ और आ जाती है, ये तो इन चीज़ों से होगी, लेकिन एक चीज़ जो लास्ट रह जाती है कि शेयर इशू एक्सपेंस होते हैं। हमने कई बार शेयर्स हम इशू करते हैं तो हमारे पास शेयर इशू एक्सपेंस रहते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस। तो जो ये शेयर इशू एक्सपेंस है वो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये भी यहीं से माइनस होंगे। तो अब जो भी प्लस की अमाउंट है, जो भी माइनस की अमाउंट है, प्लस में से माइनस अमाउंट माइनस कर दीजिए, जो भी हमारा यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब ये प्लस में भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है, तो हम इसके साइड पर ब्रैकेट लगा देंगे अगर ये अमाउंट जो है वो माइनस में आती है तो, ठीक है। ये थी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो हमारी फाइनेंस के बारे में बात करती है, हमारे शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट और इन्हीं से रिलेटेड पेमेंट की बात करती है। जैसे हमने बाय बैक किया, रिडम्पशन किया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडम्पशन ही किया जाता है, और जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको बाय बैक किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जो भी इन पे इंटरेस्ट डिविडेंड बनेगा, इंटरेस्ट होगा हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट पे, और हमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमें डिक्रीज करना पड़ता है। फिर जो शेयर्स को इशू किया उस पर कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो भी हम यहीं से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो इसके अंदर हम लिखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, अब सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अगर कोई सेल कर दी ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को अगर हमने सेल कर दी है तो फिक्स्ड एसेट को सेल करने से हमारे पास पैसा रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो हम कर देंगे प्लस में फिक्स्ड एसेट। फिर उसके बाद अगर हमने इसी फिक्स्ड एसेट को खरीद लिया है, परचेज कर लिया है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को परचेज करने से हमारे से वो पैसे क्यों हैं चले जाते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमने सेल कर दिया है इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते, अगर हम उन चीज़ों को सेल करते हैं तो सेल करने से हमारे पास पैसा आता है, तो ये हमारे प्लस में रहेंगे ये तीनों चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम उसी को परचेज कर लेते हैं, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, तो अगर इंटेंजिबल एसेट को अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज करने से हमारे पास पैसे जाएंगे, तो हम उसको फिर से माइनस कर देंगे। फिर हमने पीछे बात की थी कि हमारे कोई सेल ऑफ हमारे कोई भी नॉन करंट या फिर जिसे हम फिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टमेंट अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो ये फिर से प्लस में रहेगा। अगर इसी चीज़ को हम क्या कर देंगे, परचेज कर देंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज करने से हमारे पैसे जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदें या इंटेंजिबल एसेट खरीदें तो इनसे हमें कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव नहीं होता है, लेकिन अगर हम जो नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारी, मतलब कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हैं, उसके करने से हमें बहुत से इंटरेस्ट रिसीव होते हैं या डिविडेंड रिसीव्ड होते हैं,
तो इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड जो भी होंगे तो वो हम यहाँ पर क्या है लिखेंगे, तो वो भी यहाँ पर आएंगे। तो इसके बाद जो भी हम प्लस माइनस करके जो भी मेन अमाउंट आ जाएगी, चाहे वो प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो एक अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, एक अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, तो दो अमाउंट हमारी निकल चुकी हैं। नेक्स्ट जो हमारी अमाउंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अमाउंट है वो हमारी यही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, सबसे फर्स्ट मैंने जब आपको पीछे करवाया था तो पीछे मैंने आपको यही बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसको हमने स्टार मार्क किया था। तो यहाँ पर भी हम सेम यही करेंगे, हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इस आइटम को हम स्टार मार्क करेंगे विद स्पेशल पेन, जिस जो कि हमें स्पेशल हाईलाइट हो कि हमने कुछ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगी वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊँगी बाद में, इस पूरे फॉर्मेट के बाद में मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ की अमाउंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमें करनी होती है कुछ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट लाइक जो हमारे पास नॉन करंट नॉन कैश आइटम्स हैं, हमने पिछली वीडियो में किया कि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम्स को लेना है, नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, मतलब कोई भी नॉन कैश आइटम्स हैं, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, तो उसको हम ऐड करेंगे। ऐड किस तरीके से करेंगे, सबसे फर्स्ट जैसे कि हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हो गया, हमारे पास गुडविल हो गई, गुडविल जिसे हमें रिटर्न ऑफ करना है, पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गई, या कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जैसे होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं उसको हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें रिटर्न ऑफ करना है। उसके बाद जैसे हमारे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारा जो है, इसे हमें रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन होता है, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन कैश हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या है प्लस कर देना है, ताकि हम इसके जो इफ़ेक्ट है उसको अलग रख सकें। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स हमारी प्लस होंगी। फिर इसी में कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हमारी कोई चीज़ है, जैसे लॉस हो जाता है हमें फिक्स्ड एसेट को बेचने से, हमने यहाँ पर जब हमने फिक्स्ड एसेट किया तो हमने फिक्स्ड एसेट के सेल या परचेज में हमने कोई भी लॉस और प्रॉफिट नहीं दिखाया। अगर लॉस होता है तो हम करेंगे प्लस, और अगर इसी में प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसे करेंगे माइनस। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हमें कोई भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हमें कोई निकलता है तो वो भी प्लस होता है, और प्रोविज़न फॉर अगर माइनस हो जाता है, हमारे डिक्रीज़ हो जाता, ये तो इंक्रीज़ की बात है कि अगर डाउटफुल डेट्स बढ़ जाते हैं तो वो हमारे लिए लॉस है, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करें कि जो डाउटफुल डेट्स हैं, डाउटफुल डेट्स जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो माइनस होगा, क्योंकि देखो जो डाउटफुल डेट्स हैं वो कम हो गए हैं, हमारे लिए प्रॉफिट है। जो चीज़ें हमारे लिए प्रॉफिट है, नॉन कैश प्रॉफिट है, तो उसको हम माइनस करेंगे, और जो चीज़ें हमारे लिए लॉस है तो उसको हम प्लस करेंगे। सारी चीज़ें हमारे लिए लॉस है, डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे लिए लॉसेज हैं, जैसे इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ करना है हमें, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए लॉस हैं इसलिए हम प्लस करते हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए प्रॉफिट है उसको हम माइनस करेंगे। फिर बात आती है कि अगर हमारे पास कोई रेंट रिसीव्ड हो जाता है, हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड हो जाता है, या फिर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाता है, ये भी रिसीव हो रहे हैं, ये हमारा एक तरीके से प्रॉफिट ही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो इसे कर दो माइनस। ये हमारी नॉन कैश आइटम्स है, जैसे हमने इसमें किया कि हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, जाएंगे तो माइनस करेंगे, लेकिन इसमें नॉन कैश आइटम्स में क्या होता है, नॉन कैश आइटम में सीधी सी चीज़ होती है कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको आप माइनस करोगे, अगर आपके पास कोई लॉस हो रहा है, आपके खर्चे हो रहे हैं, तो उसको आप प्लस करोगे। नॉन कैश आइटम में सारी चीज़ों को उल्टा दिखाकर हम उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी नॉन कैश आइटम से रिलेटेड सारी एंट्रीज, और इसका जो भी आएगा उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मेन आता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले जो भी प्रॉफिट निकलता है इसको हमारे करने के बाद यहाँ पर निकल जाता है।
अब मेन जो हमारा कंसेप्ट आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, वो हमारा आता है। हमने कहा था कि हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को हमने यहाँ पर लिखना है। अब देखो, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के दो तरीके आते हैं कि करंट एसेट जो है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। फिर बात आती है करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। इन दोनों के, इन चारों के बेसिस पे ही हम बताएंगे कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। देखो, अब करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने का मतलब समझो, करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है मतलब हमने कुछ खरीदा होगा, खरीदने से हमारी तरफ से पैसे गए होंगे, तो करंट एसेट के इंक्रीज़ होने से हम करेंगे माइनस। ठीक है, करंट एसेट के डिक्रीज़ होने से, करंट एसेट डिक्रीज़ हुआ है मतलब कि हमने, हमारे पास कुछ चीज़ें थी वो हमने बेच दी, इसलिए हमारी जो एसेट्स है वो डिक्रीज़ हो गई। अब बेचने से क्या हुआ, हमारे कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो हमारा कैश जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि बेचने से हमारे पास पैसा आएगा, तो वो ये हो गया प्लस। हमने इनमें सिर्फ कैश का इफेक्ट देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है। तो जैसे करंट लाइबिलिटी देखो, अब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, हमने क्या किया, लोन था जैसे हमारे पास, लोन पहले 10 लाख का था हमारे ऊपर, हमने 10 लाख का लोन और ले लिया, इंक्रीज़ हो गया लोन, अब हमारे पास पैसा आ गया है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसी तरीके से करंट लाइबिलिटी डिक्रीज, जैसे हमारे पास वही लोन का नाम ले लेते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म हमने लोन लिया और लोन लेने पे हमने क्या किया, उस लोन को पेमेंट कर दी, हम लोन की हमने डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज मतलब जो लोन लिया हुआ था उसकी हमने पेमेंट कर दी, मतलब हमारी तरफ से पैसा जा रहा है डिक्रीज़ होने से, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होने से, फिर हम इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर करंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है मतलब हमने कोई चीज़ क्या है खरीदी है, खरीदने से पैसे क्या है हमारी तरफ से चले जाएंगे। फिर करंट एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होने का मतलब कि हमने कुछ चीज़ें क्या है बेच दी है, बेचने से हमारे पास पैसे आएंगे। फिर करंट लाइबिलिटी लोन का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो लोन जैसे हम लेंगे इंक्रीज़ हो जाएगी लाइबिलिटी, तो इंक्रीज लाइबिलिटी होने से लोन हमने लिया है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि हमें बाद में देने पड़ेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट क्या चीज़ हो रही है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। करंट लाइबिलिटी जैसे कि डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज में क्या होगा कि हमारे पास जो लोन था वो हम पेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, तो उससे हमारे पास पैसे जाएंगे तो वो हम कर देंगे माइनस। तो ये चार ही चीज़ें हैं जिनको हमने प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो हमने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इन चारों को करने के पास हमारे पास कैश जनरेट होगा, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास क्या है, कैश जनरेशन हुआ है, इसे हम बोलते हैं कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमने टैक्स को माइनस करना है, टैक्स पेड, जितना भी हम टैक्स पे करेंगे उसको हमने यहाँ पर माइनस करना है, और एट द एंड जो भी इसमें से जो भी आप माइनस करेंगे यहाँ पर, तो जितना भी अमाउंट बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जिसे हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये था आपका कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है कि मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया था कि आपके पास कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि नेट प्रॉफिट होगा बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टार मार्क जिसे मैंने किया है, तो ये अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा बनेगा एक नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमें लास्ट में कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो ये चीज़ हमें क्या है एट द एंड मिल जाएगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, सबसे फर्स्ट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बैलेंस होगा या फिर हमें कई बार क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस दिया होता है सरप्लस का, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इन दोनों में से हमें कोई एक चीज़ दी होगी तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें हमें लेस करनी है। अब क्या चीज़ें हम क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, वो हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो हमारे पास प्रपोज डिविडेंट होगा, प्रपोज डिविडेंट जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का जो होगा वो हमारा होगा प्लस। फिर उसके बाद हमें और क्या करना है, हमारा एक इंट्रीम डिविडेंट होगा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, इंट्रीम डिविडेंट करंट ईयर का हमें यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद हमें जो ट्रांसफ़र करना है हमें रिजर्व में, जो ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स या कोई भी सरप्लस है उनमें हमें ट्रांसफ़र करना है, कोई भी जैसे जनरल रिजर्व होता है या कोई भी फंड होता है, कोई भी रिजर्व होता है उसको भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स,
प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब जो करंट ईयर का हमने प्रोविजन बनाया, हमारा जो प्रीवियस ईयर का था वो तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर दिया था, लेकिन जो करंट ईयर का प्रोविजन होगा टैक्स का वो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी आती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, आइटम्स जो कि हमने डेबिटेड की हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी डेबिटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होंगे उसको भी हम प्लस करेंगे। फिर हम माइनस करेंगे जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं यहाँ पर डेबिटेड हैं, मतलब वो आइटम्स जो क्रेडिटेड होंगी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे माइनस, माइनस के साइड्स पे ब्रैकेट्स। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ माइनस करेंगे, रिफंड ऑफ टैक्सेस। जो भी रिफंड ऑफ टैक्सेस होंगे वो भी यहाँ पर माइनस होंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेस यहाँ पर और जो रिफंड ऑफ टैक्सेस होंगे यहाँ पर होंगे। इनको करने के बाद सिर्फ इतनी ही आइटम्स आएंगी प्लस माइनस, उसको करने के बाद हमारा जो आंसर निकलेगा वो हम क्या करेंगे सीधा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ले जाएंगे। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि हमने यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो हमने फॉर्मेट बनाना था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है। पिछली वीडियो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने ये चीज़ें कवर कर ली थी। सेकंड जो हमारी वीडियो आज की वीडियो है इसमें हमने किया है कि जो हमारे क्लासिफिकेशंस थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने कर लिया है। फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट भी बनाकर देख लिया है कि किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनता है। जो हमारी थर्ड वीडियो होगी तो उसमें हम करेंगे कि जो हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडजस्टमेंट होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स की, जैसे कि डिविडेंड की एडजस्टमेंट कैसे होगी। जैसे मैंने डिविडेंड आपको बताया कि डिविडेंड रिसीव्ड आपका जो डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड, और जैसे मैंने आपको बताया प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, तो उसको हमने नोट्स टू अकाउंट में शो किया। साथ ही साथ हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी लिखा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिखा, और साथ ही साथ हमने जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी तो उसमें भी लिखा। तो डिविडेंड इस तरीके से तीनों टाइम में क्यों जाता है तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट हमारे टैक्स की एडजस्टमेंट होती है। टैक्स भी आपने अगर देखा हो तो नोट्स टू अकाउंट में हमने टैक्स का एक प्रोविजन लिखा, फिर हमने माइनस किए थे कि जो हमने रिफंड करना है टैक्स का वो, और टैक्स पेड जो हमने लिखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो वो भी हम टैक्स को करेंगे डिटेल में। उसके बाद बात आती है जो फिक्स्ड एसेट की डेप्रिशिएशन होता है, डेप्रिशिएशन की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फोर्थ वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक या दो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी फॉर्मेट आज हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आज मेरे एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्वेश्चंस हैं। तो सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि ये इनफ्लो एक्टिविटी है या आउटफ्लो एक्टिविटी है, और किस एक्टिविटीज़ का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किस एक्टिविटीज़ में से है, तो आपको मुझे ये बताना है इन कमेंट बॉक्स। सबसे फर्स्ट मेरा आता है क्वेश्चन कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आप फिक्स्ड एसेट को सेल करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, और अगर आप परचेज करते हो इसी फिक्स्ड एसेट को तो आपका आंसर क्या आएगा। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि अगर प्रॉफिट होता है आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेचने से प्रॉफिट होता है तो आप कहाँ लिखेंगे, और अगर आपको लॉस होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो आप कहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट मेरा है कि अगर आपको करंट ईयर डेप्रिशिएशन आपको कहाँ लिखना है, करंट ईयर डेप्रिशिएशन आपको कहाँ लिखना है। तो इन पांचों ही क्वेश्चन का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी ज़रूर लिख दीजिए। जैसे आप लिखेगा कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और आप सामने आंसर लिखिए कि क्या है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और साथ ही साथ किस एक्टिविटीज़ में से है तो वो भी बताना है, या फिर किसी जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत सी चीज़ें एडिड होती हैं, बहुत सी चीज़ें डिटक्ट होती हैं, तो वो चीज़ भी आपको मुझे बताना है। पाँच चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ ट्रीट करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ ट्रीट करेंगे, और सेल ऑन फिक्स्ड एसेट कहाँ, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो फिक्स्ड एसेट है वो कहाँ ट्रीट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ ट्रीट होगा, और करंट डेप्रिशिएशन आपका कहाँ ट्रीट होगा। ये फाइव क्वेश्चंस हैं आप मेरे आपके लिए। पता लग जाएगा कि आपने मेरी वीडियोस को कितने अच्छे से सुना है। मैं आपको इवेल्युएट करना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को कितने अच्छे से सुन रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर, कोई डाउट है कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपका उस क्वेश्चन का आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।